तो दोस्तों, अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान, जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपये की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयर टेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करता है, तो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है।
दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है, जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी, जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया, तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी, और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी, जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है, और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह शोनीबा और शोनीपल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं
तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है। और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड नए आप बना चुकी हैं।
तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह शोनीबा और शोनीपल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपये की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है
ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करता है तो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, इससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज़ हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह शोनीबा और शोनीपल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है
और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान, जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपये की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयर टेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है, जो कि इसका ही सेक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी, जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया, तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी, और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पर ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, इससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी, जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है, और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है, और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है
फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो वो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है। और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था, लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं।
तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह शोनीबा और शोनीपल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो
इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आएगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो
दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान, जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है, जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी, जो कि 2012 में काफ़ी अच्छी खासी मूवी मानी
बनाई गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया, तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ही ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, इससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों
अगर बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर सोरे, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो वो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविक से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था, लेकिन दोस्तों एकता टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एकता टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, इससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड नए आप बना चुकी हैं।
तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगी, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपये की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो
इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करते हैं तो वो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जो है को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो यह है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर YouTube पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में।
दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान, जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ के रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करते हैं, तो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जो है को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है, जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी अच्छी खासी हिट हुई थी, जो कि 2012 में काफ़ी अच्छी खासी मूवी मानी गई थी।
और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया, तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ही ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर YouTube पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की स्टारकास्ट वगैरह को लेकर
तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर सोरे, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था लेकिन दोस्तों एकता टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एकता टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, इससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग, रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने तोड़ दिए थे लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह, सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो
टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादातर वही मूवी से प्रेमर की जाती है, लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयर टेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का
फैसला करता है। टाइगर जॉय को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जॉय के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जॉय से लव करते हैं, तो वो टाइगर को जॉय से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जॉय को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी
ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करते हैं, तो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जो है को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था, लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों
पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं। इससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी, जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो यह है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है, और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ,
और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोए को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोए के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करते हैं, तो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जो है को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एकता टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो
टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप उसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रेमर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड की रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयर टेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का
फैसला करता है। टाइगर जॉय को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जॉय के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जॉय से लव करते हैं, तो वो टाइगर को जॉय से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जॉय को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर के अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आएगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त
2012 को एक्शन रोमांस रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रहेगी थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयर टेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो वो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है। और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी, जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों
थ्री इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी थ्री इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों थ्री इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद आएगी और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह
और अवतार रिमैक्स वंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोए को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोए के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जो ऐसे लव करते हैं तो टाइगर को जो ऐसे अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जो है को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है। वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एकता टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एकता टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासे इन्होंने तोड़ दिए थे लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनीपल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एकता टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके।
तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आए उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 335 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है, और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान, जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी, और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक था टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की, और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयर टेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है। और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे, और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को
भूमिहार या फिर दोहराए जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है, जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी, जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया, तो सलमान खान की जो फिल्म एक था टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी, और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पर ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी, जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों, इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासे इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एक था टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है, और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनी पल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा है इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुँच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप एक था टाइगर फिल्म को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक था टाइगर मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी और आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, जो सारी की सारी जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही पता होंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो 15 अगस्त 2012 को एक्शन रोमांस रिलीज फिल्म एक था टाइगर, जिसको दोस्तों डायरेक्ट किया कबीर खान ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बजट की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। वहीं पर इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो 334 से 35 करोड़ तक का यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस टाइम पे कर ली थी। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो मैक्स टीवी चैनल वगैरह पर आपको देखने को मिलती रहती है और यूट्यूब मूवीज़ पर भी अवेलेबल, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये मूवी है
फ्री में देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर आप ऑफिशियल अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी शायद ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और वैसे तो अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है शायद से, लेकिन वहाँ पर कन्फर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट वगैरह को लेकर, तो इस मूवी में आपको मैन कास्ट में सलमान खान जो कि आपको टाइगर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिल जाएंगे, वहीं पर कैटरीना कैफ जो कि जोया का रोल प्ले करते हुए नज़र आ जाएंगे, वहीं पर रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ और आदि कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी चिकासी हिट मूवीज़ रह गई थी और इस मूवी ने हमें बहुत से जो सॉन्ग्स हैं दिए हैं, तो उनके जो सॉन्ग्स हैं आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। सॉन्ग्स को लेकर बात करें तो माशाल्लाह, लापता और बंजारा, सायरा, टाइगर्स थेम, माशाल्लाह और लापता रिमैक्स, बंजारा जैसे 8 से 7 जो सॉन्ग्स हैं इस मूवी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों एकता टाइगर जो बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने पहले ही दिन 32 से 33 करोड़ रुपए की कमाई की और अग्निपथ के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली जो भी फिल्में थीं जैसे कि दबंग, रेड्डी, बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों ऐसे में अगर कुछ इस मूवी की स्टोरी को लेकर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक जो कि जिस पर भारत सरकार को शक होता है कि वो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को बेच रहा है, उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए जो भारत सरकार है अपनी खुफिया एजेंसी रो के जासूस टाइगर यानी सलमान खान के डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, और फिर वो उसी पार्ट टाइम में केयरटेकर जो यानी कि कैटरीना के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को बनाने की कोशिश में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे लव भी हो जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने लव को ना जताए, लेकिन फिर वो जाहिर करने के लिए जब ट्रैवल एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से लव करता है, तो टाइगर को जोया से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता है और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने लव के लिए लड़ाई। फिल्म में सलमान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांस और टाइगर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर टाइगर पर ज़िंदगी से भी बड़ा किरदार यानी कि कभी ना बढ़ने वाला किरदार कुछ हद तक थोड़ा बोरिंग लगा है। यूँ लगता है कि सलमान खान के इन किरदारों को भूमिहार या फिर दोहराया जा रहा है, वास्तविकता से फिल्म को कोसों दूर नज़र आती है। दोस्तों फिल्म को जो कहानी है कुछ इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर जिन लोगों ने देख रखी है तो उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर जो लोग देख चुके हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिव्यू जरूर बताइए कि आपको जो मूवी है कैसी लगी, क्या सीन आपको पसंद आया। उसके बाद आपके लिए टाइगर जिंदा है मूवीज़ भी देखने को मिली है जो कि इसका ही सीक्वल मान के मूवी को बनाया गया था, लेकिन दोस्तों एक था टाइगर मूवी उस टाइम भी काफ़ी चिकासी हिट हुई थी जो कि 2012 में काफ़ी चिकासी मूवी मानी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया तो सलमान खान की जो फिल्म एकता टाइगर ने एक सप्ताह के अंदर ही दोस्तों 155 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली थी और एक नया रिकॉर्ड है वो उस टाइम में बना दिया था। इस फिल्म ने दोस्तों पहले ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, एक ही दिन में 30 करोड़ से अधिक कमाई की थी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही इस फिल्म ने दोस्तों 155 करोड़ तक की जो अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर कर ली थी। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों यह फिल्म जल्दी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। फिल्म की दोस्तों काफ़ी उम्मीद थी, यह फिल्म दोस्तों 3 इडियट्स के 385 करोड़ के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो एक तो दोस्तों उस टाइम पे ये डाउट था कि ये मूवी 3 इडियट्स मूवी के 385 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं, जिससे पहले ही दिन दोस्तों 3 इडियट्स की अगर बात करें तो 32.92 करोड़ के रुपए की कमाई की थी। अग्निपथ मूवी भी उसी टाइम में रिलीज हुई थी जो कि पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। इतना ही दोस्तों इस फिल्म की जो खास बात तो ये है कि सलमान खान की पिछली फिल्म जैसे दबंग रेड्डी और बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छी खासे इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों सिनेमा आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में एकता टाइगर का स्थान कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 30 से 31 नंबर पर पहुँच गई है, उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि पहले और अब में टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और काफ़ी जो फिल्में हैं रिकॉर्ड ने आप बना चुकी हैं।
तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है यही है और कुछ इसके मूवी के जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए। तो उन लोगों से यही कहूँगा जो लोग आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो वैसे तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर जो कि मैक्स टेलीविज़न वगैरह सोनी बा और सोनीपल जैसे चैनल्स पर आपको ये मूवी है देखने को मिलती रहती है, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर आप जो टाइगर जिंदा इसका सीक्वल जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर वही मूवी से प्रीमियर की जाती है। लेकिन अगर एक था टाइगर मूवी को आप देखना चाहते हो आप डेफिनेटली इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है इसकी पसंद आएगी। और बाकी अगर आप इसका ट्रेलर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ट्रेलर से ही आप मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियली तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो अवेलेबल अभी नहीं है, अनऑफिशियली अगर देखने को मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मूवीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आते हैं जो आप उनकी डिमांड रखते हैं और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूवीज़ लेकर आएँ और आप तक पहुंच सके, आपसे वो मूवीज़ है वो मिस ना हो सके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हम लेकर आएँ उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो आपको पसंद होगी, और आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।